गुड मॉर्निंग, कैसे सब लोग। तो मैं आ गया हूँ फिर से उसी चैप्टर को लेके। तो आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हमने क्या चालू किया है, रेसिडेंशियल स्टेटस, करेक्ट। और उसके ऑलमोस्ट 5-6 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो एक बार आज चालू करने से पहले पूरा एक फास्ट ट्रैक रिविजन कर लेते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग क्यों ढूंढ रहे हैं, तो किसी भी इंसान से इनकम टैक्स मांगने के लिए उस इंसान के पास इनकम होना चाहिए और वो इंसान इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। अब रेसिडेंट है कि नहीं ये डिसाइड करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में कुछ कंडीशन दिए, उन कंडीशन को फॉलो करके हम ये ढूंढने वाले हैं कि वो इंसान इंडिया का रेसिडेंट है कि रेसिडेंट नहीं है। तो उन्होंने फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या दी, उन्होंने पहली कंडीशन ये दी कि तू एटलीस्ट आधा साल इंडिया में होना चाहिए। जिस साल हम तेरा स्टेटस ढूंढ रहे हैं, जिस साल हम तेरे से टैक्स मांगना चाहते हैं, उस साल तू एटलीस्ट आधा साल भी इंडिया में है तो तू बन जाएगा इंडिया का रेसिडेंट। मतलब कितने डेज, 182 डेज। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, ही मस्ट बी इन इंडिया, वो इंडिया में होना चाहिए कितने दिन, फॉर 182 डेज और मोर। कब, इन प्रीवियस ईयर। ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, करेक्ट। अगर फर्स्ट कंडीशन में पकड़ा गया तो नो एंट्री, रेसिडेंट। अरे याद है क्या, पकड़ा गया तो रेसिडेंट। अगर नहीं पकड़ा जाता है तो उसको सेकंड कंडीशन का सामना करना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, सेकंड ए एंड सेकंड बी। सेकंड ए क्या बोलता है, तू एटलीस्ट 60 डेज तो इंडिया में होना चाहिए। ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। और एंड उसके पीछे के चार साल वो कितने दिन इंडिया में होना चाहिए, 365 डेज। तो ये सेंटेंस कैसे होगा, ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर। कब, इन 4 प्रीवियस ईयर। कौन से 4 प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। जिस साल हम उसका स्टेटस ढूंढने वाले हैं उसके पीछे के 4 साल वो इंडिया में होना चाहिए, एटलीस्ट फॉर 365 डेज। फिर से एक बार देख लो, फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है कि 182 डेज और मोर तो इंडिया में होना चाहिए। अगर है तो नो एंट्री, रेसिडेंट। अगर नहीं है तो वो आगे बढ़ेगा और सेकंड कंडीशन का सामना करेगा। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, एंड ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर इन 4 प्रीवियस ईयर प्रिसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अगर कोई इंसान फर्स्ट कंडीशन में पकड़ा जाएगा तो भी रेसिडेंट, फर्स्ट में नहीं पकड़ा जाता है बट सेकंड में पकड़ा गया तो भी रेसिडेंट, करेक्ट। बट नॉन रेसिडेंट कब बनेगा, जब फर्स्ट में भी नहीं पकड़ा गया वो आगे बढ़ेगा, सेकंड कंडीशन में भी नहीं पकड़ा गया तो वो वहाँ से एग्जिट करेगा, कहाँ पे, नॉन रेसिडेंट। अरे कुछ हल्का हल्का याद आ रहा है। अब देखो ये सेकंड कंडीशन इतनी भयानक थी ना कि वो सबको पकड़ रही है, जिसको पकड़ने का उसको तो पकड़ा ही, जिसको नहीं पकड़ने का उसको भी पकड़ा। तो इस चक्कर में इनकम टैक्स वालों ने क्या कर दिया कि भाई ये सेकंड कंडीशन बहुत भयानक है, तो कुछ लोगों को फ्री पासेस दे रहे थे। तो उनको फ्री पासेस कैसे मिलेंगे, सेकंड कंडीशन के लिए फ्री पास। फर्स्ट कंडीशन में पकड़ा गया तो रेसिडेंट, फर्स्ट कंडीशन में नहीं पकड़ा गया वो आगे जाके फ्री पास लेगा, सेकंड कंडीशन को ठेंगा दिखाएगा और डायरेक्ट बन जाएगा नॉन रेसिडेंट। मतलब सेकंड कंडीशन उन फ्री पासेस वालों का बाल भी बाका नहीं कर सकती। अब ये कौन लोग हैं जिनको फ्री पासेस मिलते हैं, पहला इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन केम टू इंडिया फॉर अ विजिट इन प्रीवियस ईयर। क्या बोला उन्होंने, इंडियन सिटीजन मतलब ऐसा इंसान जो इंडिया का सिटीजन है, या फिर ऐसा इंसान जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। मतलब क्या, तो वो खुद या उसके मम्मी पापा या दादा दादी नाना नानी, इनमें से कोई भी एक अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ था, मतलब कब, तो 47 के पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले अनडिवाइडेड इंडिया में, मतलब इंडिया प्लस पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश, इस पूरे एरिया में अगर वो खुद या उसके मम्मी पापा या दादा दादी नाना नानी इनमें से कोई भी एक पैदा हुआ था, तो उस इंसान को बोलेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं, करेक्ट। तो इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया में आ रहे हैं क्या करने के लिए, विजिट के लिए, केम टू इंडिया फॉर अ विजिट, कब, इन प्रीवियस ईयर, ओके। दूसरा फ्री पास किसको मिलेगा, तो इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई इंसान एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया के बाहर जा रहा है तो उस इंसान को फ्री पास मिलेगा। अब एम्प्लॉयमेंट पर्पस मतलब जॉब, बिजनेस एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कुछ भी हो सकता है, किसी भी पर्पस के लिए, चाहे वो जॉब के लिए जाए, बिजनेस करने के लिए जाए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जाए, उस इंसान को बोलेंगे ही इज लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो उस इंसान को भी फ्री पास मिलेगा। और तीसरा कौन है,
क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, इंडियन शिप का इंसान, नेवी का इंसान जो इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर ऑफिशियल पर्पज, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप लेफ्ट इंडिया फॉर ऑफिशियल पर्पज इन प्रीवियस ईयर, करेक्ट। फिर से एक बार देखो, इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन केम टू इंडिया फॉर अ विजिट इन प्रीवियस ईयर। दूसरा, इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट इन प्रीवियस ईयर। एंड तीसरा, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप लेफ्ट इंडिया फॉर ऑफिशियल पर्पज इन प्रीवियस ईयर। इन लोगों को फ्री पासेस मिलेंगे, मतलब इन लोगों के लिए फ्लो कैसे होगा, हम लोग उनको फर्स्ट कंडीशन में पकड़ने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट में पकड़ा गया तो रेसिडेंट, देखो फर्स्ट में पकड़ा जाने वाला हर इंसान रेसिडेंट ही होता है, उसको फ्री पास मिले या नहीं मिले फर्क नहीं पड़ता। अगर वो फर्स्ट कंडीशन में पकड़ा नहीं जाता है तो वो आगे बढ़ेगा, फ्री पासेस लेगा, सेकंड कंडीशन उसको टच भी नहीं कर सकती, सेकंड कंडीशन उसको आप बाल भी बांका नहीं कर सकती, और ये इंसान डायरेक्टली क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट। ओके, फिर हमने देखा रेसिडेंशियल स्टेटस ना दो टाइप का है, अगर वो पकड़ा गया तो रेसिडेंट, नहीं पकड़ा गया तो नॉन रेसिडेंट। अगर नॉन रेसिडेंट है तो थैंक गॉड, क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर वो रेसिडेंट है तो ओ गॉड, आगे जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा वो इंसान इंडिया का रेसिडेंट तो है बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ये कैसे समझता है, ऑर्डिनरी है कि नॉन ऑर्डिनरी, ये कैसे समझेगा। ये समझने के लिए हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल कंडीशन है। अब वो एडिशनल कंडीशन क्या है, सुनो, जिस साल हम उनका स्टेटस ढूंढ रहे ना उसके पीछे के सात साल में ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर 730 डेज। मतलब क्या है, तो जिस साल में उसका स्टेटस ढूंढ रहा हूँ उस साल के पीछे के 7 सालों में वो इंडिया में होना चाहिए कितने दिनों के लिए, 730 डेज। एंड उसके साथ साथ जिस साल हम उसका स्टेटस ढूंढ रहे उसके पीछे के 10 साल उसमें एटलीस्ट 2 साल वो रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो फर्स्ट एडिशनल कंडीशन क्या है, तो ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर, कब, इन 7 प्रीवियस ईयर। कौन से 7 प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। जिस साल स्टेटस ढूंढना है उसके पीछे के 7 साल में वो 730 डेज इंडिया में होना चाहिए। एंड दूसरा क्या था, तो जिस साल स्टेटस ढूंढ रहे उसके पीछे के 10 सालों में 2 बार वो रेसिडेंट होना चाहिए। सो ही मस्ट बी रेसिडेंट फॉर 2 प्रीवियस ईयर्स और मोर आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स preceding the relevant previous year, okay? अगर additional conditions दोनों satisfy होती है वो बन जाएगा ordinary resident, अगर ये satisfy नहीं होती है वो कौन बन जाएगा, non-ordinary resident, okay? तो ये सारी condition मैंने यहाँ पे लिखी है, basic दोनों condition, फिर ये तीनों exception जिनको free passes मिलता है। अगर वो non-resident है तो problem solve हो गया, अगर वो resident है तो additional condition check करनी पड़ेगी, ये भी मैंने देख ली। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग 3 स्टेप में करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, कंडीशन। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, कैलकुलेशन जो मैं यहाँ पे करूँगा। एंड स्टेप नंबर 3 होता है अपना फाइनल आंसर, जहाँ पे मेरे इनकम टैक्स की एंट्री होती है और वहाँ से हम लोग इनकम टैक्स के रूल्स कंडीशंस अप्लाई करके फाइंड आउट करते हैं कि वो उसका कंक्लूजन क्या है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने कुछ 4-5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज हम लोग और एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ये दिन का पहला क्वेश्चन है, तो ये स्टार्ट मैं करूँगा, इसके बाद के क्वेश्चन तुम लोग करोगे। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो सब लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, शांति से इस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। अब मैं इस क्वेश्चन को पहले रीड करूँ, प्लेन रीडिंग कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फिट करूँगा, पहले मैं क्वेश्चन को सिर्फ रीड कर रहा हूँ। देखो क्या है, श्री राम गोपाल वर्मा अ सिटीजन ऑफ USA has been staying in India since 2001. 2001 से ये राम गोपाल वर्मा इंडिया में रह रहे हैं, ओके। He left India on 16th July 2015. ओके, 16th July 2015 को वो किधर जा रहे हैं, ऑन अ विजिट टू USA एंड रिटर्न ऑन 4th January 2016. बस क्वेश्चन खत्म, डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर 15-16. ओके, अब देख लो एक बार, श्री राम गोपाल वर्मा अ सिटीजन ऑफ USA, USA के सिटीजन है, इंडिया के सिटीजन नहीं है, USA के सिटीजन है, मतलब उनको फ्री पासेस मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट कम हो गए, ठीक है। अब एक ही चीज़ उनको बचा सकती है, अगर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो ही उनको फ्री पास मिलेगा। अच्छा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और वो विजिट के लिए इंडिया में आते हैं तो फ्री पास मिलेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, Staying in India since 2001, okay. He left India
ऑन 16 जुलाई 2015 ऑन अ विजिट टू यूएसए. ए विजिट, अरे बट ये विजिट कौन सा है, ये विजिट टू इंडिया है, केम टू इंडिया फॉर अ विजिट. और ये क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं विजिट करने के लिए. ऐसे लोगों को फ्री पास नहीं मिलता. फ्री पास किसको मिलता है, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन केम टू इंडिया फॉर अ विजिट, या इंडियन सिटीजन जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएगा, या क्रू मेंबर ऑफिशियल पर्पज के लिए जाएगा. इसमें से एक भी चीज़ राम गोपाल वर्मा ने फुलफिल नहीं की तो उसको फ्री पास नहीं मिलेगा. इसका मतलब हम लोग उसको फर्स्ट कंडीशन में पकड़ने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट में पकड़ा गया तो रेसिडेंट, फर्स्ट में नहीं पकड़ा गया तो उसको सेकंड कंडीशन का सामना करना पड़ेगा. सेकंड में पकड़ा जाएगा तो भी रेसिडेंट, ठीक है, और दोनों जगह पकड़ा नहीं जाएगा तो वो बन जाएगा नॉन रेसिडेंट. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम स्टार्ट कैसे करेंगे, नेम स्टेटस असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर तो लिखेंगे. एक बार क्वेश्चन में थोड़ा सा वर्किंग कर लेते हैं. 16 जुलाई 2015 को वो इंडिया छोड़ के जा रहा है. 16 जुलाई 2015 जरा बात बताओ ये किस फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है. 16 जुलाई 2015 उसको अंडरलाइन करना और उसके बाजू में लिखना PY 15-16 में वो इंडिया छोड़ के जा रहा है. 2001 से 15 साल से वो इंडिया में, 15 साल इंडिया में रहने के बाद 16 जुलाई को इंडिया छोड़ के जा रहा है. और वापस कब आया, 4 जनवरी 2016. ये 4 जनवरी 2016 मतलब कौन सा साल, सेम 15-16. अरे 15-16 ना, जनवरी 16 है, जनवरी 16 मतलब 15-16 में ही आएगा, करेक्ट. तो 15-16 में ही जा रहा है और 15-16 में ही आ रहा है, ओके. अब इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट कैसे करूँगा, सबसे पहले मैं लिखूँगा उसका नेम. अब इसका नेम क्या है, राम गोपाल वर्मा, तो मैं लिख देता हूँ. राम गोपाल वर्मा. अब राम गोपाल वर्मा तो लिख दिया, इसका स्टेटस क्या होगा, इंडिविजुअल. सर सब जगह इंडिविजुअल ही आएगा क्या, यस टीवाई लेवल पे सब जगह इंडिविजुअल ही आएगा, उतना ही अपना सिलेबस है, आगे का ही नहीं सकता. असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर में से एक चीज़ क्वेश्चन में दी होगी, कौन सी दी चेक करो. 15-16 तो मैं प्रीवियस ईयर लिख देता हूँ, 2015-16. अगर प्रीवियस ईयर 2015-16 है तो असेसमेंट ईयर क्या होगा, असेसमेंट ईयर होगा 16-17, करेक्ट, वो भी लिखना पड़ेगा. असेसमेंट ईयर 2016-17. अच्छा तुम लोग को बात बताऊँ, ये जो नेम स्टेटस असेसमेंट प्रीवियस ईयर है ना, ये अगर मैं नहीं लिखूंगा ना तो उसके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है. अगर मैं ये नहीं लिखूंगा उसके मार्क्स कट जाएंगे, बट अगर मैं उसको लिखूंगा एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले, ठीक है. तो ये मार्क्स के लिए नहीं होता, बट ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. स्टेप नंबर वन हम क्या करेंगे, सारी कंडीशन मैंने लिख दी, ओके. स्टेप नंबर टू क्या होगा, ये कैलकुलेशन. अब कैलकुलेशन में मैं क्या करूँगा, मैं कितनी लाइन छोड़ूंगा, फर्स्ट लाइन पे लिखूंगा प्रीवियस ईयर नंबर ऑफ डेज इन इंडिया, और उसके आगे मैं 11 लाइन छोड़ने वाला हूँ, 11 लाइन, ठीक है. 11th लाइन पे मैं क्या लिखूंगा, मेरा प्रीवियस ईयर जो कि है 15-16. 15-16 लिख दिया, अब मैं उल्टा जाऊँगा और सीधा आऊँगा, अब मैं उल्टा जा रहा हूँ, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 एंड 5, 5 एंड 5, मतलब मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की है, ओके. अब मैं स्टेट आ सकता हूँ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, मतलब मैं गया भी सही और आया भी सही, ओके. अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से ना लीप ईयर ढूंढने पड़ेंगे. अब लीप ईयर ढूंढने हैं तो लीप ईयर के लिए क्या करूँगा, 8, 12 एंड 16. अरे याद है ना लीप ईयर कैसे ढूंढने होते हैं, डिवाइड बाय 4 करने का. कंप्लीट आंसर आएगा तो लीप ईयर है, पॉइंट में आंसर आएगा तो लीप ईयर नहीं है. तो 8 डिवाइड बाय 4 2 लीप ईयर है, 9 डिवाइड बाय 4 लीप ईयर नहीं है, 10 भी लीप ईयर नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 लीप ईयर है, वैसे 16 लीप ईयर है. अब उन्होंने क्या बोला है, वो कब इंडिया छोड़ के जा रहा है, 15-16 में, और आ रहा भी है 15-16 में, मतलब उसके पीछे 15 साल 2001 से वो इंडिया में ही रह रहा है, मतलब जितने उस साल में दिन होते हैं उतने दिन वो इंडिया में था, करेक्ट. तो इधर 365, 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
और जा रहा भी है। तो ये वर्किंग नोट मैं किस साल के लिए कर रहा हूँ,
ये मैं कर रहा हूँ फॉर 2015 एंड 16। ओके, अब ये वर्किंग नोट क्या है, उस साल के सारे महीने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च। अरे समझा क्या, तो ये अपना बेसिक स्ट्रक्चर जो हम लोग 5 बार कर चुके हैं, मैं छठी बार कर रहा हूँ, तो ये नेम स्टेटस हो गया, स्टेप नंबर 1 कंडीशन हो गई, स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अभी तक मैंने क्वेश्चन को टच नहीं किया है, अब मैं क्वेश्चन को टच कर रहा हूँ। उनने क्या बोला है, 16 जुलाई को वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, 16 जुलाई को जा रहा है मतलब अप्रैल पूरा इंडिया में, अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30, मतलब वो 30 डेज इंडिया में, मई 31, जून के 30 और जुलाई के किस दिन जा रहा है, 16 तारीख को जा रहा है, इसका मतलब कितने दिन वो इंडिया में था, 15 के 16 को था इसके लिए तो जा पाया, होता ही नहीं तो जाता कैसे, इसका मतलब 16 दिन वो इंडिया में है। और कल हमने नोट भी लिखा था जाते जाते कि अगर कोई इंसान इंडिया छोड़ के जाता है उस दिन को भी इंडिया में काउंट करने का, और इंडिया में आता है उस दिन को भी इंडिया में काउंट करने का। तो जुलाई के 16 दिन वो इंडिया में था, वापस कब आ रहा है, ही इज कमिंग टू इंडिया ऑन जनवरी 4 जनवरी को आ रहा है, इसका मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कितना, 0, करेक्ट 0 ना, अगस्त में चला गया, सॉरी जुलाई में चला गया और जनवरी में आ रहा है, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए 0 होगा। अब जनवरी में कब आ रहा है, 4 जनवरी को आ रहा है, मतलब कितने दिन इंडिया में था, 4 तारीख से वो इंडिया में है, मतलब पहले 3 दिन बाहर था, रहे कि नहीं, जनवरी के 31 डेज में से पहले 3 दिन वो अगर बाहर था तो इस 3 दिन को मैं हटा दूँ तो मुझे पता चलेगा वो जनवरी में कितने दिन इंडिया में था। तो जनवरी के 31 डेज में से 3 दिन अगर मैं हटा दूँ तो मुझे पता चलेगा कि वो 28 डेज इंडिया में था। वंस मोर देखो, 4 तारीख को इंडिया में आ गया, 1 तारीख इंडिया के बाहर, 2 तारीख इंडिया के बाहर, 3 तारीख इंडिया के बाहर, 4 तारीख को इंडिया आ गया। तो 4 तारीख से 31 जनवरी तक जनवरी में वो इंडिया में था, तो जनवरी के 31 डेज में से पहले 3 दिन अगर मैं हटा दूँ तो पता चलेगा वो जनवरी में कितना दिन इंडिया में था। तो 31 में से 3 दिन मैंने हटा लिए, वो 28 डेज इंडिया में था, अब वो इंडिया में ही है। फरवरी के कितने दिन, 29 क्योंकि ये लीप ईयर है, एंड मार्च के 31 क्योंकि अब वो आ गया। अब मुझे इनकी टोटल करनी है, अब मैं टोटल करूँगा, अब टोटल देख लो, अप्रैल 30 + 31 + 30 + 16 + 28 + 29 + 31, तो ये टोटल हो रही है 195 डेज। अरे समझा क्या, 195 डेज। ओके, अब मेरा काम हो गया, इसके बाद अब मेरा इनकम टैक्स एंट्री कर रहा है। अभी तक हमने इनकम टैक्स के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, करेक्ट है कि नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सोचेंगे, अब उसको फर्स्ट कंडीशन पकड़ने की कोशिश करिए। फर्स्ट कंडीशन उसको बोल रही है, भाई साहब पिछले साल 182 डेज और मोर इंडिया में था। उसने बोला हाँ था भाई साहब, मैं तो 195 डेज इंडिया में था, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन में पकड़ा गया। सेकंड कंडीशन चेक करनी है क्या, नहीं, फर्स्ट कंडीशन में ही पकड़ा गया तो कौन बन गया, रेसिडेंट। तो फर्स्ट कंडीशन में पकड़ा गया, देयरफॉर ही इज रेसिडेंट। अब रेसिडेंट है तो थैंक गॉड कि ओ गॉड, अब आगे जाके ढूंढना पड़ेगा ऑर्डिनरी है कि नॉन ऑर्डिनरी है, ये कैसे ढूंढेंगे। एडिशनल कंडीशन 1 वो क्या बोलती है, पीछे के सात सालों में ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर 730 डेज। हो रहा है क्या, यस हो रहा है। तो एडिशनल कंडीशन 1 सेटिस्फाइड, एंड एडिशनल कंडीशन 2 पीछे के 10 सालों में एटलीस्ट 2 बार वो रेसिडेंट होना चाहिए, एटलीस्ट 2 बार, और वो कितने बार रेसिडेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 के 10 बार रेसिडेंट है। उन्होंने क्या बोला था, सिर्फ 2 बार रेसिडेंट हुआ तो भी चलेगा, 10 बार रेसिडेंट है, इसका मतलब एडिशनल कंडीशन 2 भी सेटिस्फाइड हो गई, तो वो कौन बन गया, दोनों एडिशनल सेटिस्फाइड, देयरफॉर राम गोपाल वर्मा इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट, बस, और ये क्वेश्चन खत्म। तो 15 मार्क्स कैसे मिलेंगे, 5 मार्क ये गधा मजूरी करने के लिए, रट्टेबाजी करके लिखना है, स्टेप नंबर 2 पूरा कैलकुलेशन, एंड स्टेप नंबर 3 कंक्लूजन। अब कंक्लूजन मैं 5 बार लिख चुका हूँ, इस क्वेश्चन का कंक्लूजन तुम लोग लिखने वाले हो, कंडीशन भी अभी तुम लोग लिखोगे क्योंकि दिन का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं लिखने। तो स्टेप नंबर 1 सारी कंडीशन लिख दो, स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन लिख दो। अब स्टेप नंबर 3 का कंक्लूजन तुम्हारा सिंपल होने के लिए मैंने ये बेसिक स्ट्रक्चर बना के रखा है, इसके हिसाब से तुम लोग ये
कंक्लूजन लिख सकते हो, ठीक है। अब जल्दी से कॉपी करो, फिर हम लोग इसके बाद भयानक भयानक क्वेश्चन करने वाले। अच्छा, तुम लोग को याद है मैंने बोला था मैं एक ट्रिक देने वाला हूँ। देखो, सोचने का काम चालू को बताया भाई, ये कंडीशन लिखते टाइम सोचना नहीं पड़ता, कैलकुलेशन में भी सोचना नहीं पड़ता, इसमें थोड़ी सोचना पड़ता है, स्कूल के बच्चों का काम है डेज काउंट करने। सोचना तब पड़ता है जब हम लोग कंक्लूजन करते हैं कि फर्स्ट कंडीशन हो रही है कि नहीं हो रही है, नहीं हो रही तो फ्री पास मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, सेकंड कंडीशन में पकड़ा गया तो क्या, ये सब सोचना कब पड़ता है, जब हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं, करेक्ट। और मैंने तुम लोग को बोला था मैं एक ट्रिक दूंगा, कुछ क्वेश्चन हम लोग सोच के करेंगे, उसके बाद मैं एक ट्रिक दूंगा जिससे बिना सोचे समझे इसका आंसर आ सकता है। हाँ, तो पहले ये लिख दो, फिर मैं वो ट्रिक दूंगा। फिर हमने जितने भी क्वेश्चन अभी तक किए हैं सारे क्वेश्चन उस ट्रिक से हम लोग वेरीफाई करेंगे, अगर हमारा आंसर करेक्ट आता है तो वो ट्रिक सही है, नो वो आएगा, ठीक है। तो जल्दी से लिख दो, फिर मैं तुम लोग को ट्रिक दूंगा। अब कंक्लूजन देखो कैसा तुम लोगों ने लिखा होना चाहिए। हाँ देखो, फर्स्ट बेसिक कंडीशन वन सेटिस्फाइड, क्यों सेटिस्फाइड, ब्रैकेट में 195 डेज, ओके। तो बेसिक कंडीशन वन सेटिस्फाइड, ब्रैकेट में 195 डेज, देयरफॉर ही इज रेसिडेंट। सेकंड कंडीशन चेक ही नहीं करने ना भाई लोग, फर्स्ट कंडीशन में पकड़ा गया तो क्या बन गया, रेसिडेंट। अब रेसिडेंट है तो आगे अपने को चेक करना है, तो तुम लोगों ने लिखा होना चाहिए एडिशनल कंडीशन वन सेटिस्फाइड और ब्रैकेट में इन सात सालों के डेज की टोटल, एक्चुअल टोटल हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं ना रे, तो एडिशनल कंडीशन वन सेटिस्फाइड ब्रैकेट में सात सालों की टोटल एंड एडिशनल कंडीशन टू सेटिस्फाइड ब्रैकेट में ये 10 के 10 प्रीवियस ईयर वो रेसिडेंट है, इसके लिए ब्रैकेट में 10 प्रीवियस ईयर्स, देयरफॉर मिस्टर राम गोपाल वर्मा इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट फॉर प्रीवियस ईयर 15-16। सही लिखा है सब कुछ, फिर से देखो क्या लिखा होना चाहिए बुक में, बेसिक कंडीशन वन सेटिस्फाइड ब्रैकेट में 195 डेज, हाँ देयरफॉर ही इज रेसिडेंट। फिर आगे एडिशनल कंडीशन वन सेटिस्फाइड ब्रैकेट में सात सालों की टोटल एंड एडिशनल कंडीशन टू ऑल्सो सेटिस्फाइड ब्रैकेट में 10 प्रीवियस ईयर्स, देयरफॉर मिस्टर राम गोपाल वर्मा इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट फॉर प्रीवियस ईयर 15-16, ओके। अब देखो, अब मैं उस साइड पे ट्रिक लिख रहा हूँ। अब ये ट्रिक क्या है, जब भी हमारे पास रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन आएगा, इमीडिएटली क्वेश्चन पेपर पे या आंसर शीट में एकदम पीछे पेंसिल से हम ये डायग्राम बनाएंगे। अब ये डायग्राम क्या है, तो ये है तीन पतंग, इसमें मैं क्या लिखूंगा, 1-3-2, यस नो, यस नो, यस नो, आर एन आर, आर एन आर, ओके। तो ये फर्स्ट थर्ड सेकंड, वन मतलब फर्स्ट बेसिक कंडीशन, थ्री मतलब थ्री एक्सेप्शन, टू मतलब सेकंड का ए एंड सेकंड का बी। अब इसका मतलब समझो पहले क्या है,
ये फ्लो कैसे है, दिस इज फ्लो चार्ट, इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट, जो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं वो लोग बनाते हैं। किसी भी चीज़ को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है, ताकि हम कहाँ है, सही जा रहे कि नहीं जा रहे, इसका पता चलता है। अब यहाँ पे देखो, कभी भी हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे, आज के बाद सारे कंक्लूजन हम लोग इसके हिसाब से लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या है, फर्स्ट बेसिक कंडीशन, अगर फर्स्ट बेसिक कंडीशन का आंसर येस है, वो कौन बन जाएगा, रेसिडेंट। अगर फर्स्ट बेसिक कंडीशन का आंसर नो है, तो हम लोग चेक करेंगे वो एक्सेप्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब उसको फ्री पासेस मिलने चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। अगर एक्सेप्शन में आ रहा है, एक्सेप्शन में आ रहा है मतलब फ्री पासेस मिल गए, तो वो बन जाएगा नॉन रेसिडेंट। अगर वो एक्सेप्शन में भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन में नहीं पकड़ा गया, फ्री पासेस भी उसको नहीं मिले, तो उसको सेकंड कंडीशन का सामना करना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन ए एंड बी दोनों सेटिस्फाई हो गया, अगर आंसर येस है वो बन जाएगा रेसिडेंट, अगर सेकंड कंडीशन में पकड़ा नहीं जाता है वो बन जाएगा नॉन रेसिडेंट। ओके, फिर से देख लो, अब थोड़ा सा फास्ट करता हूँ। फर्स्ट कंडीशन येस रेसिडेंट, फर्स्ट कंडीशन नो एक्सेप्शन चेक करेंगे, एक्सेप्शन येस तो नॉन रेसिडेंट, एक्सेप्शन नो तो सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, सेकंड कंडीशन येस तो रेसिडेंट, सेकंड कंडीशन नो तो नॉन रेसिडेंट। इसको बनाना भी बहुत सिंपल है, 30 सेकंड्स के अंदर एग्जाम में बना के हो जाता है, अपने को थोड़ी ना एम एफ हुसैन बनने का है। देखो मैं कैसे करूँगा, फटाक से तीन पतंग, मुझे नहीं चाहिए कि सारे के सारे पतंग सेम दिखे, 1 3 2, तीन मतलब एक्सेप्शन, सेकंड मतलब ए बी, फिर येस नो येस नो येस नो, फिर आर एन आर बस। अब कोई भी क्वेश्चन उठाओ, दुनिया का कोई भी रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन इसके बाहर जा ही नहीं सकता। चलो जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए ना, चलो चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, तुम लोग कहाँ देखोगे, क्वेश्चन नहीं देखोगे, तुम लोग जाओगे सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले हमने जो सॉल्यूशन स्टार्ट किया था वो हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 1 का, मिस्टर एक्स, करेक्ट। अब मिस्टर एक्स के सॉल्यूशन में जाओ, एकदम स्टार्टिंग में लिखा होगा, अरे आए क्या, हाँ उसमें कंडीशन छोड़ो, कैलकुलेशन पार्ट पे आ जाओ, ठीक है। अब कैलकुलेशन में हम लोग कैलकुलेशन से कंक्लूजन पे कैसे पहुँचेंगे मुझे बताओ, वहाँ पे फर्स्ट कंडीशन का आंसर येस आ रहा है कि नो आ रहा है, नो आ रहा है, ओके। मिस्टर एक्स इज लिविंग इंडिया फॉर हायर स्टडीज, वो हायर एजुकेशन के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो उसको फ्री पास मिलेगा क्या, नहीं। एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता ना तो फ्री पास मिलता, एजुकेशन के लिए जा रहा है वो चीज़ अलग होती है, तो उसको एक्सेप्शन में नहीं आ रहा है, नो। इसके लिए हमने सेकंड कंडीशन चेक की, सेकंड कंडीशन का आंसर येस आ रहा होगा, सेकंड का ए बी सेटिस्फाई हो रहा है, बी बी सेटिस्फाई हो रहा है, देयरफॉर वो कौन बन गया, रेसिडेंट। और रेसिडेंट है तो ओ गॉड, आगे ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन हो गया कैसा है, तो फर्स्ट कंडीशन का आंसर नो, एक्सेप्शन में नहीं आ रहा है, सेकंड कंडीशन का आंसर येस, वो बन गया रेसिडेंट, ओके। उसके बाद हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन पे आ जाओ, और सॉल्यूशन में भी कैलकुलेशन पार्ट पे आ जाओ, हाँ। अब यहां देखो, इस सॉल्यूशन में भी फर्स्ट कंडीशन का आंसर येस आ रहा है कि नो आ रहा है, नो, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अपना मिस्टर राजेश एक्सेप्शन में आ रहा है क्या, नहीं, ये भी पढ़ाई करने के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है, मतलब इस ये भी एक्सेप्शन में नहीं आ रहा है, एक्सेप्शन में नहीं आ रहा है, तो हमने सेकंड कंडीशन चेक की, सेकंड कंडीशन का आंसर येस आ रहा है कि नो आ रहा है, येस आ रहा है, तो मिस्टर राजेश कौन बन गया, रेसिडेंट। और रेसिडेंट है तो ओ गॉड, आगे जाके हम लोग ढूंढते हैं ऑर्डिनरी के नॉन ऑर्डिनरी, वो तो पता हो ही चुका है, ठीक है। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा किया था, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 7, करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देख लो, क्वेश्चन 7 में उन्होंने